सब गोटा के स्वागत है नई उम्मीद में और हम छी निर्भय कर आज अहां सबके हम एहन विशेष कार्यक्रम में विशेष लोग से मिला जे समाजवादी पार्टी के सप्तरी जिला अध्यक्ष केदार प्रसाद यादव जी छथिन, साथ में नेकपा के प्रदेश दुई के प्रदेश कमेटी सदस्य महेश प्रसाद यादव जी। राष्ट्रसभा के निर्वाचन भेले ओमे जीत हार तो लगले रहे छे, लेकिन जे समसामयिक अवस्था छे जखन वर्तमान स्थिति छे राजनीति के लेके ते पर हम विशेष चर्चा करब ए दुनू गोटा अतिथि से। तो चलू मिले छी दुनू गोटा से। तो केदार जी, सबसे पहले अपने के स्वागत से हमर कार्यक्रम में। धन्यवाद निर्भय जी, अपने कार्यक्रम में बोल लिए, ताकि अपने विचार रखे के मौका दे लिए। महेश जी, अपने का सोहो स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद अपने। सबसे पहले राज्यसभा के चुनाव भेल, नेकपा बहुत बढ़िया से विजय में हासिल किया, तेला अपने के महेश जी बहुत बहुत बधाई है। जी धन्यवाद, बधाई दिल्ली ते के लिए। आई विजय के अहां कई रूप से देख रहा छे। अब ई तो अखन का नेकपा राजपा गठबंधन के विजय भेल जी, दोनों संयुक्त रूप में उम्मीदवारी देला जी, दोनों का सहयोग से जी हमरा सबको विजय भेल। ते के लागी हम अपन व्यक्तिगत तरफ से राजपा नेकपा के संपूर्ण प्रदेश सांसद जी नगर पालिका गांव पालिका के मेयर उपमेयर अध्यक्ष उपाध्यक्ष सबके हम व्यक्तिगत तरफ से प्रदेश कमिटियों के तरफ से हम बहुत बहुत हुनका सबके धन्यवाद दे चाहे छी। और जे चारों गोड़े संयुक्त फाइनल से जीतल जी। उनका सेहो हम शुभकामना बधाई दे चाहे छी, जे जनता के मत से जीतला व्यक्ति और जनता के भावना अनुरूप अहा सब काम करबे सेहो हम अहा सबके शुभकामना दै ले चाहे छी। और अखन के जे ई निर्वाचन राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन भेल जी, निश्चित रूप में जे देश में जे विभिन्न समय सब जे उथल पुथल देखल गेले जी, अस्थिरता जे देखल गेले ओकरा ठीक ढंग से संबोधन करैये खातिर अखन के ई राज्यसभा चुनाव में नेकपा राजपा गठबंधन अगाड़ी बढ़ चुकल छे। और दुई नम्बर प्रदेश में जे जनता के भावना छले ओहि भावना के कदर करैये के खातिर ई गठबंधन अगाड़ी बढ़त जी। और ई गठबंधन के अगाड़ी बढ़नाय जरूरी छे। और ओहि में सहभागी जे अपना सबके दुई नम्बर प्रदेश में विपक्षी कांग्रेस समाजवादी फोरम के जे उम्मीदवार सब बनल छले है, हम कहब जे प्रदेश के विकास के खातिर एकटा निश्चित समय में प्रतिस्पर्धा ही छे। और उ प्रतिस्पर्धा के बाद जे प्रदेश के विकास में सबके सहकार्य सहभागिता के साथ अगाड़ी बढ़े के चाहिए, तबे एहिठिना के जनता के अनुभूति हेतै जे निश्चित रूप में राजनीति करे वाला व्यक्ति व्यक्तित्व जनता प्रति उत्तरदायित्व छै। बिल्कुल, जाबत तक जनता के हम अहा महसूस नहीं करेबे जे हम निश्चित रूप में एक जनता के खातिर मतलब समाज के सेवा करे खातिर सेवक के भावना से हम छी, जाबत तक महसूस नहीं हेतै ताबत तक निश्चित रूप में जनता जे अखनियो उदासीनता जे देखल जाय छै उदासीनता मर रहते। ते द्वारा हम कहब जे चारू दल पार्टी जे जिम्मेवार छे हुनका सबके ई निर्वाचन एकटा निश्चित समय के प्रतिस्पर्धा के बाद हुनका सबके सहकार्य होय के चाही। और प्रतिपक्ष के जे भूमिका में चुनावों में दुई नम्बर प्रदेश में रहली हुनको सबके भूमिका वही हिसाब से जनता प्रति उत्तरदायित्व होय के चाही, हमर जे अनुभूति है जी। केदार जी, अपने के पार्टी पिछड़ गेले राष्ट्रीय निर्वाचन में, कतक कमजोरी रह गेले, वोटिंग कम छले, क्रॉस वोटिंग भेले, कतक की भेले? ओ तो स्पष्ट बात रहे, नेकपा और राजपा के अलायंस भेला के बाद जी, वो दूटा के वोट जुड़ला के बाद जी, वो तो जीत से निश्चित रहे जी। और लेकिन एक संभावना छले क्रॉस वोटिंग के, सो हो सो कुछ भेले क्रॉस वोटिंग, तब की छे यहाँ के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिला के बाद कुछ बहुत के डिफरेंसेस सब रहे जी, यहाँ के पूरा समाजवादी और कांग्रेस के अलायंस का नेकपा राजपा अलायंस के बीच में 271 मत भार के वोट के डिफरेंसेस रहे जी। और डिफरेंसेस सब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जी, अब कते आदमी सब राजनीतिक दल छे, राजनीतिक दल के विचार के आधार पर कोई जीतल छे जी, तो संभावना सब कम रही जी, अकल झुकल
कहियो काल हेत रहै छै जी रिलेशन के आधार पर हेत रहै छै जी कहियो काल आदमी से कुछ अपन विचारधारा के आधार पर भी पार्टी मिलने के बाद कुछ आदमी सब पसंद नहीं पड़ित रहै छै तो क्रॉसिंग करै छै उस संभावना सब कम रहै छै लेकिन पार्टी का राजनीति लेकिन केदार जी जखने पार्टी व्हिप जारी करै छै एकर मतलब कोनो विचारधारा या कोनो व्यक्तिगत मामला नहीं बढ़ि जाइ छै ओ सीधा पार्टीगत मामला होइ छै जे पार्टी कल कहा ओते वोटिंग अहाँके करय पड़तै लेकिन ताहिके बावजूदो इस चीज पर व्हिप जारी करला के बावजूदो भेलै तऽ ते पर के पार्टी कोनो एक्शन लेतै कि सोचतै पर पार्टी तो आप जे कॉर्नर से ओकरा छानबीन करतै छानबीन के आगू बढ़बे करतै पार्टी जी ओ पार्टी के दायित्व छै जे के करना छै आप ओहि भीतर मे तो फाइंड आउट करे के विषय छै अलायंस में कौन अलायंस के लोग कहने छे एक छानबीन पार्टी करते और करला के बाद जब भी पकड़ा जेते पार्टी छूट देके पक्ष में नहीं जी महेश जी अपने ऐसे पहले छलिए नेकपा और समाजवादी पार्टी के बीच में अहां दोनों गोटा के केंद्रों में छले सरकार छले लेकिन एहन की वजह भले कि नेकपा छोड़ दलके फोरम के समाजवादी पार्टी के रास्ता में छोड़ दलके और राजपा के हाथ थाम लेलके वजह की रहले अब राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ का सवाल सब रहले ही जी हम तो ई कहब जे आय नेकपा के साथ हम अहा देख लिए जे समाजवादी फोरमो जे हिसाब से समर्थन दिलके और 2 साल से अधिक समय तक सहकार्य सब चल ले जी वही परिधि के भीतर में राजपा कसिहो समर्थन सब रहे जी हम अपने का किछ कहिले की चाहब जे विगत में देखल जाओ ये 2 साल का दरमियान का मातहत का चीज सब देखल जाओ जे चीज सब हम अहा एक निश्चित बिंदु में एक समझदारी के आगे अगाड़ी बढ़ सकल चुकल छे तकर बाद हो सके छे मतलब समझदारी के संदर्भ में बहुत बात सब तौर ऊपर है छे लेकिन सहकार्य नहीं टूटे के चाहिए एक तरफ राजको समर्थन देना रहे फिर बीच में आबकर राजपा समर्थन छोड़ लके संघीय समाजवादी फोरम का समर्थन रहले फिर आबकर जब मंत्री चेंज मंत्रालय चेंज मंत्रालय से कानून मंत्रालय चेंज हेप के बात एलै तखन से असमझदारी सब बढ़ले और उ असमझदारी सब कथी ले बढ़ले त उ असमझदारी सब बढ़े के कारण की छै अखन के राष्ट्रीय राजनीति में अपने सब बुझैत हेबै जे सरकार के सवाल जखन आबै छै तखन प्रधानमंत्री नियुक्त होइ छै प्रधानमंत्री अपन सुविधा अनुसार के मंत्रालय सब हेर फेर सुविधा अनुसार के मंत्री बनेतै तब राष्ट्र बढ़िया बन सकतै से एकटा मान्यता नै कि एकटा सत्यो छै ओहि अनुरूप भेलै ओहि मे फोरम समाजवादी संघीय फोरम के कतौ चित नै बुझल हेतै तऽ ओकरा ओहि ढंग के टैक्टिस कए कऽ जाय के चाही सरकारी नहीं छोड़े के चाहिए हमर मान्यता अहा की कहला चाहबे पर केदार जी जी कहला था महेश जी के जे तर्क छे जी तो सरकार मंत्री फेर लगे ते पर चेंज करे ते पर राय न मदा दिए ना अच्छा स्वास्थ्य मंत्रालय से कानून मदा दल के कानून मंत्रालय के पदभार नहीं संभाल के रिजाइन क्या देती है से तो नहीं कलके समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माननीय उपेंद्र यादव जी जी एकटा राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में मंत्री पद का निर्णय क्या करता कार्यक्रम में भाग लगवे इंदिरा पटेल के स्वास्थ्य मंत्री के हैसियत में और जब सरकार के रिप्रेजेंट क्या कोनो देश में भाग ला रहा है उस देश से वो कार्यक्रम सके से आवे से पहले जो हैसियत में गेल रहे ओकर हैसियत ओत जब भी करती है और एग्रीमेंट करती है कोनो समझदारी करती है वही से पहले तो हैसियत अहां समाप्त कर दीजिए और देशो न आवे दीजिए बीच में मंत्रालय ट्रांसफर कर दिलिए एक तो राष्ट्र के छवि बिगड़े वाला काम कर लिए दोसर बात अला के बाद प्रधानमंत्री के अधिकार के प्रयोग क्या कहा कानून मंत्रालय दिलिए और चीज हमारा सहज स्वीकार लिए कि कानून मंत्रालय शायद केपीओ या अपनो मन से दे दल के प्रधानमंत्री जी तो शायद हमारे एग्रीमेंट अनुसार दे दल के कि हमारा के भावने बुझे दल के कि संविधान संशोधन क्या देते कि या संशोधन सुन के विधेयक अपने लागते कि कई हिसाब से तो नहीं रहते हम लोग शायद सोचलिए और जब वो काम सहज स्वीकार लिए आज सुनना है जे दिन पदभार ग्रहण कल के उपेन्द्र यादव कहल के पी ओ में धीरे माया गर्नु भयो माया गर्ने कानून मुद्दा दिनु भयो बात कहने छे जे पदभार संभालला के बाद एग्रीमेंट अनुसार संविधान संशोधन के प्रस्ताव का मंत्री परिषद में लाई गई छे तहां कहे स्टॉप इट कोनो छलफल नहीं करे चाहे छे तो इरिटेट भए जाइ छे कि महज की छे पर प्रतिक्रिया अपने छलफल के संदर्भ के विषय सब रहले या जे हिसाब से प्रधानमंत्री जब उपेन्द्र जी कह दिलखिन जे प्रधानमंत्री जी हमरा बहुत माय कह के मंत्रालय दिल सार्वजनिको रूप में आयल छे मीडिया के माध्यम से
तो वे माया के तो बचा के रखे वाला काम तो उपेंद्रे जी के न करे पड़ता है, चाहे वो प्रधानमंत्री माया जे हिसाब से करित हुआ। उपेंद्र जी का तो ई बुझे पड़ते हमरा कोनो न कोनो हिसाब से मये करे, हमरा मानिए के चले, तो उपेंद्र जी के राजीनामा देना उचित नहीं छे, सहकार्य कह के चलना। प्रधानमंत्री केपी ओली जी के जो व्यवहार शायद किछ रहले तेहन, जेना स्टॉप इट वाला बात एले, इरिटेट वाला बात जी, कतत यथाचित छे। हमरा तो हमरा तैसे गुस्सा भा के उपेंद्र यादव जी राजीनामा ठोकलखिन। नहीं नहीं, ऊ तो अहा के फेन कैबिनेट जना कोनो कमिटी है छे, जिला कमिटी बने छे, ओकर अध्यक्ष छे और मेंबर सब है छे ना जी, तो तहिना प्रधानमंत्री भेले कमिटी का अध्यक्ष आ मंत्री सब भेले मेंबर, तो ओहि कैबिनेट में ओहि चीज के छलफल करे के चाहिए, जे हमर अपमानित कतौ भेल, ओकरा ठीक ढंग से व्यवस्थित छलफल कह के अगाड़ी बढ़ना उचित छले। जे संगठनात्मक पद्धति में हमरा सब तो मान लिया अनुभूति तो सरकार के नहीं है, ओहि मंत्री मंत्री बैठल छी, लेकिन जे संगठनात्मक पद्धति के माध्यम है छे जी, ओ माध्यम अनुसार चलने जरूरी छे। हमरा सबके वामपंथी सब से बुझे छे जे कमी कमजोरी भ सके छे, नहीं हेते आदमी छे हेते स्वाभाविक छे, लेकिन ओकरा एकटा आलोचना आत्मालोचना सहकार्य छलफल के माध्यम से डील कए के अगाड़ी बढ़े के चाहिए, हमर से मान्यता भेल। और लेकिन अहाँ के लागे कि जे कैबिनेट के मीटिंग चल रहा था जैसे स्टॉप इट वाला बात कर लो, तो उपेंद्र जी कतौ न कतौ अपमानित भेल की से, तो उपेंद्र जी के था है थे जे हिसाब से मीडिया मेले जे हिसाब से यो कहल केदारजी के हाल से थी। हां मतलब उपेंद्र जी बुझे छे हमरा खूब बढ़िया मानैया केपी ओली जी जी, तब कहियो काल भ सके छे केपी ओली जी से घर के गार्जियन मिले तो किछ भ सके छे, तो ओकरा अपमानित अगर बुझना हेतै से उपेंद्र जी के बुझा हेतै, हमरा बुझाय में छलफल केला से अगाड़ी बढ़तिए तो बेसी बेटर हेतिए, राजीनामा देना ओते उचित हम नहीं ठानलु की केदार जी की वास्तविकता छे। क्लियर बात छे, दुनिया बुझे सब बुझ गेल छे जी ना, जे उपेंद्र जी माया एहि सेंस में कहल गेल, माया करिए तो उपेंद्र यादव के व्यक्तिगत पर्सनालिटी सेंस के तो बात नहीं रहे नहीं छे, और उपेंद्र यादव जी नेकपा के सदस्य के रूप में तो नहीं चलके कोई मंत्रिमंडल में नहीं गेल रहे, उस दू बुझे एग्रीमेंट क्या फर्क पार्टी के हिसाब से गेल छे, दू बुझे सहमति के आधार पर सरकार में गेल छे, और सहमति के प्रथम उदारे संविधान संशोधन के विषय जी, और माया ऐसा में कहल के कानून मंत्रालय हमरा दला, एक मतलब प्रधानमंत्री का भी इच्छा थे कहीं संविधान संशोधन के प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ाते की जी ना, हमारा से वही हिसाब से एक्सेप्ट कर लिए जी, सही रूप से स्वीकार कर लिए कहे के मतलब सारे। लेकिन अहा ठीक से प्रधानमंत्री की बात कहते ना, मंत्री परिषद में प्रस्ताव लेला के बाद प्रधानमंत्री कहे सब गार्जियन दू छी, प्राइम मिनिस्टर सिस्टम छी जी, मिनिस्टर तो कोनो अल्पमत बहुमत से पास फेल नहीं है जो जखन सिस्टम छे नेपाल के, प्रधानमंत्री व्यवस्था छे प्राइम मिनिस्टर सिस्टम छे, प्राइम मिनिस्टर सिस्टम में ओ कोनो पार्टी के कमिटी जगह अल्पमत बहुमत के छलफल नहीं है, बिल्कुल मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री के निर्णय अंतिम है, विभागीय मंत्री के हिसाब से सब मंत्री सब अपन विभाग के प्रस्ताव सब अपन विभाग के कार्य योजना सब अपन विभाग संबंधी कानून विधेयक सब मंत्री परिषद में ला जाए छे, और वो तो ये प्रधानमंत्री अलाउ करे छे, तो स्वीकृति करला के बाद वो विधेयक रूप में हाउस में जाए छे, संसद सजोला में दर्ता है, अब जहाँ प्रस्ताव लागल तो प्रधानमंत्री कहना कि ठीक है हम इसमें छलफल करूँ अगाड़ी बढ़ू, जो यो बैठावा भैया ना और को बैठावा लगाऊ से कहना चाहिए ना, होने ना स्टॉप कैसे लोग इरिटेट भाग बोलना क्या संकेत दिलिए हाँ आगे जागे खेल गए पॉलिटिकल एजेंडा के आधार पर गए रहे ट्रीट अहम पॉलिटिकल एजेंडा पर करें ट्रांसफर तो करिए हाँ सीधा हम समर्थन दिया अना मंत्री खेत रहू आ जाओ इसे बात भेल अहाँ वह न अवस्था में तो राजनीतिक रूप से नैतिक रूप से रहे के अवस्था नहीं रही। तो केदार जी सीधा मतलब है कि प्रधानमंत्री ओली द्वारा अपमानित भेला के बाद उपेंद्र जी राजीनामा दिलखे, अपमानित इन सेंस जे अहाँ जे संशोधन के विषय हम लै गलू ओहि पर छलफल नहीं हो दलिए, हमारे एजेंडा तो संविधान संशोधन रहे जी, अहाँ संशोधन वो अपमान करे के मतलब की भेलै, उपेंद्र यादव अपमान नहीं रहे ना, वो संविधान संशोधन के एजेंडा जे हमरा संहिता के विषय पर अहाँ संघीय शासन कर लेलू जी, प्रदेश में संहिता छै रे, संहिता अनुकूल कानून तो नहीं छै ना, सरकार छै एकटा ओ सरकार के पुलिस ने प्रशासन ने कुछो छै कौन संज्ञा दे वही के विषय पर छलफल करे रहे, लड़ाई तकर रहे ना वो लड़ाई लड़ल गए पूरा नहीं एक्सेप्ट कल के। अच्छा हम अभी संदर्भ में किस रखे साहब जी मुद्दा तो अपना सबको यह विषय चल रहा जी, तो
हम कहलिए संशोधन के प्रस्ताव के विषय में जे माननीय उपेन्द्र जी जे राखलखिन कैबिनेट में बात सब तो हमारे में ई कहब जे जनता बहुत ज्यादा आप भ्रमित है लन नहीं चाहे छे और सत्य के मतलब उपेन्द्र यादव भ्रमित कर जनता के हम हमर को जन जनता के भ्रमित करे वाला बात हम अखनिये नहीं कहूँ हमर बात सुन लो तब ना अपने से जनता बहुत चीज में अस्पष्ट भ रहा है संशोधन के सवाल के बात रही जब हम देख रहा छे मंत्री मंत्रालय अगर चेंज कल तकर बाद के एक चीज एक चैप्टर बदलल छे बिल्कुल पूरा चेंजेसे पहिने जब स्वास्थ्य मंत्रालय रहे वही बीच के वही संदर्भ में विभिन्न समय में हुनका सबको पार्टियों में बात सब उठैत रहे सरकार छोड़ पड़ते या जे डिमांड सब छे वही लाके आगू बढ़ पड़ते वही समय में कैबिनेट में बात सब नहीं रखने और ओकरा ठीक ढंग से अगाड़ी नहीं बढ़ेने और जब मंत्रालय चेंज हो तो बात सब अगाड़ी लै जेने की वास्तविकता वास्तव में स्वास्थ्य मंत्रालय के टाइम में मधेश के डिमांड या संशोधन के मुद्दा नहीं रखल की स्वास्थ्य मंत्री के टाइम में सरकारों में 17 महीने रहल छे जी 17 महीना में जब प्रधानमंत्री संविधान संशोधन के मुद्दा आगे बढ़ गए तो मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय के हिसाब से कानून के संशोधन के विषय तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रस्ताव नहीं लाई देता लेकिन इंटरनली हुनका से डिस्कस नहीं कर सके डिस्कस के विषय अहां जब कहे छे जब पार्टी के हिसाब से पार्टी से अहां के अशोक राय रायन श्रेष्ठ ई सब जाकर प्रधानमंत्री के बलवाटर में बैठ गए ओ बीच में संशोधन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ल के तो प्रधानमंत्री के स्मरण पत्र देने छे अहां के संविधान संशोधन के विषय में कुछ आगू नहीं बढ़ रहा छे प्रधानमंत्री कहे हम अपना पार्टी में मिले हुए महजी तो महजी सीधा सीधा कहे कि संविधान संशोधन के कोई बातें नहीं करके जब तक स्वास्थ्य मंत्री पद पर नहीं कल के तहां हिस्ट्री देखियो स्मरण पद देने से प्रधानमंत्री ने देने से पार्टी के नेता जगह अशोक राय और राजेंद्र गेल छे कि नहीं प्रधानमंत्री की बात निकाल छे कैबिनेट में फिर संशोधन के प्रस्ताव तो मंत्री जी का ना उपेन्द्र जी का ना ला जाए संशोधन के प्रस्ताव आखिर तक वो संशोधन हेतु लेकिन प्रतिनिधि तो पार्टी के चलते उनको बात तो सुनने की चाहिए मतलब ठीक है उनका सब गेले लेसे वही से पहले तो आखिर उपेन्द्र जी पार्टी का अध्यक्ष हो चाहिए ना जी अध्यक्ष को भूमिका में सरकारों में वो प्रधानमंत्री हो चाहिए ना लेकिन उनका पार्टी की भूमिका तैयार है चाहिए तो ते द्वारा एक बेसी अल्झावे से बढ़िया कथी कहे गुड़ कतो पह कतो से बात बुझल ना तो वही बात का हमरा आके व्यवस्थापन करे पड़ते मतलब केने जरूरी छे अखन के संदर्भे छे अखन के संदर्भ लड़ाई से बेसी हमरा आके डिमांड सब छे मुद्दा सब आम जनता के छे चाहे मधेश के जनता हो पहाड़ के जनता हो उत्पीड़ित वर्ग हो जे हो ओकरा डिमांड के सामूहिक रूप में मतलब संबोधन केने और वही संबोधन में जे पछाड़ी हटते ओकरा फुनक 5 वर्ष के बाद आबि रहल छे समय जनता मूल्यांकन करते जी लेकिन अपन अधिकार सहित अपन बात सहित अगाड़ी बढ़ पड़ते ना कि कुर्सी में सत्ता में बैठे खाती एकदम दौड़ा दौड़ कर ठीक बात है स्वास्थ्य मंत्री के हैसियत में केना बात उठल के तो प्रधानमंत्री के तो अनौपचारिक रूप से बार बार कहने अहां से हम जो अनौपचारिक बात करे हरेक चीज तो मीडिया में आवे ना तो प्रधानमंत्री अगर कह दे ठीक से कर ओना उतारे छलफल करछु आज जो करछु सचिवालय में छु पार्टी में छलफल भगो छे ना मैं छलफल कर दई छु अब स्वास्थ्य मंत्रालय के हिसाब से तो कानून के विधेयक आगू नहीं लग सके विभागीय मंत्री के हिसाब से अध्यक्ष के माध्यम से वो अपन बात राख सके खत्म नहीं भय गए अध्यक्ष के हिसाब संशोधन का प्रस्ताव तो फिर भर भैती है ना कहीं सरकार उम्र फिर चाहिए कार्यक्रम अहां तो वो छलफल के जो मर्यादा के साथ अहां बात करना चाहिए कर लिए अहां सीधे रोके ओकरे टेबल क्या कर मंत्री परिषद में जी हम इसमें छलफल करो आखिर मंत्री परिषद दत्ता तो हेती है ना बिल्कुल जाती है ना सीधे रिजेक्ट करी छे ना वो तरीका ठीक नहीं ना अब आगे के बात कल जाए समाजवादी पार्टी से अहां सब छोड़ दिले गठबंधन टूट गए एक तरह से उपेन्द्र जी राजीनामा दे चुकल थी और 2 साल कार्यकाल ते टाइम में कोनो संशोधन के कोनो बात यदि भेलो हेतु अंदर लेकिन वास्तविक कुछ रिजल्ट सामने नहीं अल जनता के कुछ नजर नहीं अल आब अहां राजपा के दामन थमलिए राजपा के साथ अहां राष्ट्रीय सभा चुनाव लड़लिए कि आप राजपा वो मांग उठेता अहां के संविधान संशोधन के मधेसी मुद्दा के उठेता ओकरा की अहां पूरा कर देबे तो जायज मांग छे ना फेनो तो जायज मांग तो उपेन्द्र जी उठबे छलखिन ना करे पड़ते
करय पड़ते हम तखनी अपने के शुरुओं में कहलू जे दू नम्बर प्रदेश के जनता नहीं कि नेपाले भर के जनता उत्पीड़ित वर्ग जे मधेशी समुदाय लगात उत्पीड़ित वर्ग है जत जत चित नहीं बुझल वहीठना संबोधन केना सरकार के दायित्व कर्तव्य ठीक है मतलब हमरा सब को अगर देखे देवे सब संशोधन करे के पक्ष में नहीं है राजपा अखन सहकार्य कल के राजपा तो बहुत बड़का मधेशो आंदोलन कल के घटनों सब हम अपने जिला में देखना चाहिए ते हिसाब से अखनियो सहकार्य सब कल के अखन सब कुछ ठीक भए गेलै कुछो नहीं रहल छे तो ते द्वारा आप जे छे जे राजपा यदि सच्चे में मधेशी जनता के हितकर के बात करे छे हर कोई पार्टी अपने सुनो ना मैं अगर करे छे दुई नंबर प्रदेश का कार्यकर्ता नेता सबके डिमांड है दुई नंबर प्रदेश में मात्र नहीं दुई नंबर प्रदेश का मधेश नहीं देखियो देशे भर में मधेशी जनता सब चलठाम सब बिल्कुल वो सबको मुक्ति के बात है के चाहिए हमरा सब अपनो पार्टी में और अखन के सरकार के दायित्व और कर्तव्य है करे पड़ते और वही पर हमरा सब के पार्टी प्रतिबद्ध है समाजवादी मिलाकर वो चीज सब अगाड़ी बढ़ते जी मैं जी समाजवादी पार्टी से तर नहीं कह पेल के लेकिन राजपा से अहाँ के लागे दू साल तीन साल के जिस टाइम बच गए अहाँ के अहाँ सब पूरा कर दे संविधान संशोधन कर देवे एकदम हमरा विश्वास है लागे केदार जी हम इनका शुभकामना दे चाहे जी हमरा सब सरकार में नहीं छी जी अगर अहाँ संविधान संशोधन के प्रस्ताव लाबे जी, जी। हमरा सबके समर्थन करब जी बाहर शरीर के समर्थन करब जी संशोधन प्रस्ताव अहाँ के जो संशोधन प्रस्ताव हेते वोटिंग करब जी अहाँ सब लाबू हमरा सरकार में छी नहीं छी वैसे मतलब नहीं भेले अहाँ सब एक तरफा भी अहाँ संशोधन कए आगू बढ़ा दै छियै घोषणा कए छियै हमरा कोनो पूछे छियै अहाँ बातो नहीं करू लेकिन संशोधन संशोधन जरूरी छै संशोधन करू तो हमरा शुभकामना यऽ राजपा से मिलिए कहाँ कह दियो हम तो शुभकामना यह जनता के जो डिमांड है राजनीतिक कर्तव्य बने बिल्कुल बिल्कुल लेकिन ऐसे नहीं बहुत दिन लंबा टाइम से चल रहा है संविधान संशोधन के नाम पर लोग एकदम हम तो अगर ठीक है सत्ता का मुंह अगर त्याग दे ना सब आदमी जी सत्ता के मुंह पछाड़ी बेसी भाई एजेंडा सत्ता आगू भाग जाए एजेंडा पाछू पड़ जाए हम तो कहे सब आदमी का एजेंडा आगू करू सत्ता पाछू करू सब कुछ लेकिन नहीं भ पावे जनता के बीच भ्रमित लगातार जनता भ्रमित भ रहा है और जनता के भ्रमित करे वाला काम हमरे यहाँ से नेता सब क्या रहल छे हम करे छे केदार जी करे छे और करे छे जी जी चलो ई त भेले मधे जे अहाँ सब सरकार भर में तो नहीं करे छे हमार स्पष्ट बात छे सब अपने आप बढ़िया बात छे ले सब पार्टी जनता का उत्तरदायित्व बन गेल छे अब उत्तरदायित्व बन गेल छे स्पष्ट बात करे छे अहाँ के शुभ काम सब पार्टी अपने आप के स्पष्ट बात करे छे जनता के हित ला रहा छे लेकिन जनता के हित कतौ नहीं देखल जाय छे जनता करते से तो अहाँ सब बुझ रहा है ना पांच साल जनता करते ऐसे पहले ओली सरकार के बाद मधेशी के संविधान संशोधन से नहीं और लगातार दू साल तीन साल बीत चुकल के बाद अवस्था देख रहा अवस्था चलो अब प्रदेश दुई के बात करी हम अहाँ की केदार जी आप समाजवादी पार्टी सत्ता से वापस से एक दबाव से हो छे राज्यसभा चुनाव हार गेल छे राजपा हट गेल छे गठबंधन से समाजवादी पार्टी से तो की समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे रहा है प्रदेश नंबर दू से समाजवादी पार्टी प्रदेश के सवाल पर हमरा सब कहलो केंद्र में नेकपा के साथ जलांश के सरकार में रहिए जी तो उस समय में प्रदेश के सरकार के असर नहीं पड़ल रहे जी राजपा समाजवादी बीच के सरकार के एलायंस रहे मधेश की जनता के वो भावना छे वोटिंग छे वह आधार पर सरकार चलते रहे चल रहा है अब वो डिपेंड करे राजपा पर राजपा और अगर नेकपा के साथ तलमिल करके तो हमारा सबको सरकार छोड़ जाए तो मैं की अपने अपने सब सरकार में कुछ बात परिवर्तन होना जरूरी है कुछ मंत्री सब ठीक प्रक्रिया से आगू नहीं बढ़ रहा है जी मंत्रालय जब परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं भए रहा है वही सबके परिवर्तन करने जरूरी है परिवर्तन अगर सरकार कंटिन्यू रहते तो हम परिवर्तन के आवश्यकता है अच्छा हमरा सब तो दू नंबर के प्रदेश के सरकार मानले तो हमरा सब के पार्टी तो समर्थने न केना छै जी नहीं समर्थने केलके न शुरू से समर्थने करे तो अखन तक चल रहा तो अहाँ आपकी मुख्यमंत्री पद के दावेदारी ठोकबे अब सुनल जाओ राजपा के साथ मिलके सुनल जाओ ना तो विषय सब रहे समर्थन अखन तक करे थे आब के एक अलग टाइप का अलग सिनेरियो भ गेल पूरा चेंजिंग भ गेल चेंजिंग भ गेल तो वो चेंजिंग में निश्चित रूप में पार्टी कुछ डिसीजन तो करते ना
मतलब प्रदेश सरकार अखन हम से बात नहीं कह सकै छी, मतलब फॉर्मली हमरा कोनो चीज जानकारी एहि विषय मे नहि अछि, मतलब एतर के संभावना छै अखन तत्काली हमरा बुझाइए जे एहिठिना के सरकार नहि चेंज है, चेंज नहि हेतै जी। लेकिन जे हिसाब से राज्यसभा के रिजल्ट एलै आ कटुता बढ़लै, एक नेकपा और राजपा बाजी मारि गेलै, पूरा के पूरा सीट लऽ के चलि गेलै, से बात तऽ समाजवादी ओकर कटुता तऽ पार्टी पर पड़तै, संघीय समाजवादी फोरम को बुझा पड़तै जे सरकार मे हम आब दू नंबर प्रदेश के सरकार मे बैठल रही कि सरकार छोड़ के जाए जी न, ओ त कथी कहबै नैतिक प्रश्न छियै, मतलब अहाँ सब चाहै छी कि समाजवादी पार्टी जगह पर कोई रहती है तो हम कहै छी अहाँ नैतिकता के सवाल उठेलिए, एकर मतलब सीधा छै हार भेल मतलब अहाँ हटि जाओ बैक भऽ जाओ, ओ नैतिक प्रश्न के विषय छियै जी, हम हटि जाय वाला बात थोड़ी कहै छी, अखन सरकार नहि चेंज हेतै चलो बढ़िया से चलो, हमरा सबके समर्थन रहतै बढ़िया से चलो की केलै दू नंबर प्रदेश मे, दू नंबर प्रदेश मे बढ़िया बढ़िया कानून सब बनाओ, बढ़िया बढ़िया विधेयक सब पास करो, जनता के अनुभूति है वाला हम सब करो, हमरा सब तै खातिर नहीं सरकार समर्थन दिक्कत ले, जनता मान के पठा देना छे ना। केदार जी की कहला चाहबे? नेकपा के समर्थन से सरकार नहीं चल रहा है जी, नेकपा प्रमुख प्रतिपक्षी दल में से प्रदेश में और हुनका प्रतिपक्ष के भूमिका छे, तो अहाँ नहीं बुझल प्रमुख प्रतिपक्ष में कांग्रेस ही प्रमुख प्रतिपक्ष में नेकपा छे, पार्टीगत हिसाब से सबसे बेसी सांसद नेकपा के ये प्रमुख प्रतिपक्षी दल के भूमिका में नेकपा छे प्रदेश में, नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सेकंड प्रतिपक्ष में नेपाली कांग्रेस, अच्छा अपने सुनो प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा छियै प्रदेश में जी, नेपाली कांग्रेस सेकंड प्रतिपक्ष छियै प्रमुख प्रतिपक्ष नहीं छियै, लेकिन एकर मतलब ये भेलै कि जखने उपेंद्र जी राजीनामा देलकै तखने से नेकपा भ गेलै प्रतिपक्ष नंबर वन आ प्रतिपक्ष नंबर टू पर चल गेलै कांग्रेस अहाँ के हिसाब से, राजीनामा देलकै तखने से नहीं, प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राजपा की सरकार छे बिल्कुल, और ओकर बाद प्रमुख प्रतिपक्षी के नेकपा छे जकर नेता अहाँके सत्यनारायण मंडल सेकंड के प्रतिपक्ष नहीं नहीं ऊ तो समर्थन के नहीं है ना, के समर्थन के नेकपा के सरकार नेकपा सरकार के समर्थन नहीं केने क्लियर है, नेकपा सरकार के समर्थन नहीं केने छी, नेकपा सरकार नेकपा के सरकार समर्थन सरकार चलिए रहल छै, नेकपा बाहरी समर्थन बाहरी समर्थन नहीं करना चाहिए, प्रमुख प्रतिपक्ष की भूमिका में जना केन्द्र में समाजवादी फोरम के आ नेकपा के सरकार रहे नहीं हो आ राजपा समर्थन के ना रहे ना, लेकिन फिर बाद में वापस लो लेके फिर बाद में वापस लेके वो समर्थन नहीं है प्रदेश में नेकपा के, क्लियर समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य मतलब सप्तरी जिला अध्यक्ष कह रहे थे कोनो समर्थन प्रदेश दू के नहीं भेट रहा है नेकपा के तरफ, उनका बुझा में हमारा बुझा में दुनिया सब बुझे वहां स्ट्रक्चर देखू, प्रमुख प्रतिपक्ष दल के नेता नेकपा के सत्यनारायण मंडल छे जी, ओ तो छेबे के तो बनबे करते ना, ओ दल नेता तो बनबे करते प्रमुख प्रतिपक्ष दल के समर्थन से सरकार के केंद्रो में कोनो दल के नेता बने छे ना, चलो ए बहस के आप सब एते समाप्त करे छी, फिर अगला कार्यक्रम फिर अपना से भेटत कोनो एक नया विशेष मुद्दा के लाके, तत्काल अपने सब सुन लो जे राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन में जे रिजल्ट एले ओकर की असर पड़ रहल छे नेकपा पर राजपा पर और समाजवादी पार्टी पर, ये पूरा विशेष कार्यक्रम सुन के अपने सब अंदाजा लगा रहल हेबे कि संविधान संशोधन के मुद्दा पर कई हिसाब से पार्टी के विचारधारा रहले और केना आगे बढ़ते, तो आय के लिए एतबी निर्भयकरण के आप इजाजत दिया, फिर मिलब अगला कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। प्रेस द बेल आइकन ऑन द